हेलो गाइस, जैसा कि आपको बताएगी शिवरात्रि आने वाली है, इसीलिए हम जो है शिवरात्रि के लिए जो है पापड़ बना रही है। पापड़ बनाने के लिए हम मैदा लेंगे और देखिए इसमें दादी कौन कौन से मसाले डाल रही है। गरम मसाला, ये जी नमक, ये है जी अजवाइन। अभी बन जाएंगे। ये है जी हैप्पी मेथी। हम पापड़ को अपनी भाषा में संसरे बोलते हैं। गाइस, आज हम बना रहे हैं संसरे। ये भी आपकी हल्की सी पापड़। हम इसका बैटर बनाने के लिए पानी हल्का गर्म लेते हैं। हर साल हम ये पापड़ घर पर बनाते हैं और शिवरात्रि आने पर हम इसका भोग भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं। शिवरात्रि आने के 10-15 दिन पहले ही हम इन संसे को बना देते हैं ताकि ये शिवरात्रि तक सूख जाए। इसको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। देखिए गाइस, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, पापड़ बनाने के लिए आपको प्लेट्स, सूखे कपड़े की, ऑयल की और नीडल की ज़रूरत पड़ती है। हम चूल्हे पर पापड़ बना रहे हैं, आप गैस पर भी बना सकते हो। ये देख लीजिए, हमने चूल्हे पर कढ़ाई लगा रखी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे। सबसे पहले प्लेट में ऑयल की ग्रीसिंग की जाती है ताकि इसमें पापड़ का बैटर ना चिपके। ग्रीसिंग करने के बाद प्लेट पर पापड़ का बैटर डाल दीजिए। बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए वरना पापड़ कच्चे रह जाते हैं। इसको इस तरह से घुमाना होता है। फिर प्लेट को कढ़ाई के ऊपर रखने के बाद उसे इस तरह से ढकें। फिर 1 मिनट के बाद प्लेट को उठाइए और वापस पलटिए। जब भी आप पापड़ बना रहे हैं तो आपकी जो आंच है वो हाई फ्लेम पे होनी चाहिए। इसके लिए पानी खूब उबलता हुआ होना चाहिए क्योंकि पापड़ स्टीम के थ्रू ही पकते हैं। नीडल की हेल्प से पापड़ के कोने को हल्के हाथों से निकाला जाता है, फिर एकदम से पापड़ को निकालते हैं। इसी तरह से सारे पापड़ बनाए जाते हैं। अगर आपके पास घर पे कढ़ाई अवेलेबल नहीं है तो आप पापड़ बनाने के लिए पतीला भी यूज़ कर सकते हो, पर जब आप उसके ऊपर प्लेट लगाओ तो वो पतीले के ऊपर अच्छे से फिट होनी चाहिए। जब हम एक पापड़ नीडल की हेल्प से निकालते हैं तो दूसरे पापड़ को बनाने के लिए आपको प्लेट धोना ज़रूरी है वरना पापड़ उसी प्लेट में चिपक जाएगा। प्लेट धोने के बाद प्लेट को सूखे कपड़े से क्लीन करिए, फिर ऑयल से ग्रीसिंग करिए। ये देख लीजिए, हमारे पापड़ रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको जो है साफ सुथरे रूम में रखेंगे। इन पापड़ को हमेशा छांव में सुखाते हैं। हम पापड़ को सुखाने के लिए एक खुले रूम में रखते हैं, जैसे यहाँ दादी रख रही है। हमने कुछ पापड़ के बैटर में हल्दी डाली है और कुछ पापड़ के बैटर में हल्दी नहीं डाली है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 2-4 दिन में पापड़ को चेक करके इनको पलटाते हैं। जब पापड़ सूख जाते हैं तो हम इनको इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में रखते हैं और शिवरात्रि के दिन इनका भोग चढ़ता है। आप ये पापड़ कभी भी बना सकते हो। बाय गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।